वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब प्रैक्टिस सेट टू आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड मैं लेके आई हूँ अपने इस चैनल पे एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिस के साथ में हमारी ये क्लास हमारा ये सेशन आज का होगा और जो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करा हुआ है इस स्पेसिफिक क्लास में वो स्पेसिफिकली आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है टी जी किसी भी आपका लेवल का हो चाहे आप स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो ये सभी एग्जाम्स इंग्लिश लिटरेचर से हैं तो इंग्लिश लिटरेचर आपके एग्जाम में पूछा जाता है एज अ सब्जेक्ट आपका है तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स पार्ट फर्स्ट जो हमारा था प्रैक्टिस सेट इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये रहा हमारा वीडियो का वो और आपको लिंक इसका मैं मेंशन कर दूंगी

द स्टडी ऑफ पोइट्री ऑफ दीज ये क्वेश्चन जो है हमारा मैथ्यू एनॉल से रिलेटेड है क्योंकि ऑप्शन में मैथ्यू एनॉल है तो आपको बताना है कि इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ ये किसने बोला है पोइट्री की डेफिनेशन किसने दी है और अपने किस वर्क में दी है तो उसका जो आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा होगा पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कभी कभी एग्जाम में इतना ही आपसे पूछा जा सकता है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी ओके ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर पोएट्री की एक डेफिनेशन द स्टडी ऑफ पोएट्री में मैथ्यू एनॉन्ड ने दी है जो कि वर्क जो पब्लिश हुआ है 1880 में पब्लिश हुआ है है ये आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बताइए किसकी डेथ के बाद टेंशन को poet, poet किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑप्शन है एंड्रो मोशन तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी जानते हो विलियम की डेथ के बाद 1850 में वर्थ वर्थ की हुई थी, ये इनका डेथ ईयर था और इसी के बाद में टेनिशियन को अपॉइंट किया था पोएट लॉरिएट 1850 में और टेनिशियन पोएट थे विक्टोरिया नेराके ठीक है विक्टोरिया नेरा के रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं एल्फ्रेड लॉर्ड

तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर ये हमारा है एल एजी इन मेमोरियम जो कि टेनिशन का वर्क है एल पोयम है और ये इसका पूरा टाइटल की बात करें अगर इसकी तो इन मेमोरियम ऑफ इन मेमोरियम ए एच एच ऑर्थर हेनरी हेलम की मेमोरी में डेथ पे ये पोयम कंपोज की गई है टेनिशन ने कंपोज की है अगर इस पोएम के कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये जो पोयम थी ये कब पब्लिश हुई है 1850 में ये पब्लिश हुई है ठीक है पब्लिश इन एटीन फिफ्टी जिस ईयर में इनको पोएट लॉरियट अपॉइंट किया गया था उसी ईयर में ये पोयम जो थी वो पब्लिश हुई है एटीन में ठीक है तो और इसका राइमिंग स्कीम बी बी ए करके है ठीक है राइम स्कीम की बात करें बहुत एक लॉन्ग पोएम है सॉरी राइम स्कीम तो ये है ए बी बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वी हैव ऑन द स्क्रीन द फर्स्ट वर्क दैट अर्न गॉल्स वर्दी वॉज द नॉवेल आइडेंटिफाई दैट नॉवेल देखिए अर्न एक तरीके से फेम की बात हो रही है अर्न फेम की बात हो रही है आपको बताना है एज ए नॉवेलिस्ट गॉल्स वर्दी को किस उनके वर्क से एक तरीके का फेमस एक रेपुटेशन मिली एक तरीके से वो जाने जाने लगे एज अ नॉवलिस्ट तो उस नोवेल का नेम बताना है जिसको प्रेज मिली है गोल्स वर्दी के उस नोवेल की बात हो रही है और आपको उसका आंसर देना है ऑप्शन ए है फ्रटर्निटी ऑप्शन बी है कॉन्ट्री माउस ऑप्शन सी है द आईलैंड फ्रेसिस या ऑप्शन डी है which ज्वासिलच वन इज दर्क दॉज अफ दैट वॉज अ वर्क दैट अर्न फेम कॉल्स फॉर दीज novel. आपको उसका novel का नेम बताना है और ऑप्शन इसमें जो हमारा आएगा वो ऑप्शन हमारा C करेक्ट आंसर होगा The Island फ्रेसिस ठीक है Island फरेसिस का जो वर्क है ये नॉवेल है इनका और ये जो पब्लिश हुआ है 1904 में पब्लिश हुआ है Okay, ये ऐसा नॉवल था फिक्शनल है फिक्शन वर्क है गॉल्स वर्दी का और इस नॉवेल की वजह से एक तरीके से नॉवेल का जो था वो रेपुटेशन उनको मिला हुआ है गोल्स वर्दी को इस नॉवेल के थ्रू एज अ नॉवलिस्ट नेक्स्ट नंबर थर्टी क्वेश्चन द प्रिलूड इज इन कितने बुक्स में को डिवाइड किया गया रिलेटेड वीडियो जोन चैनल पे है है इससे पे पे मेरे जाके आप उसको आउट कर सकते हो तो आपको इसका आंसर देना है 14 बुक्स, 18 बुक्स, 20 बुक्स या बहुत इजी आंसर है, है इसका और इसका चलिए पब्लिकेशन ईयर भी मुझे बता दीजिएगा किस ईयर में यह पब्लिश हुआ है और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है 14 बुक्स में प्रिलूड को डिवाइड किया गया है ठीक है 14 बुक्स में ये डिवाइडेड है और कब पब्लिश हुआ है 1850 में ये पब्लिश हुआ है आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ किसने पब्लिश करा था उनकी वाइफ ने इसको नेम दिया था द प्रिलूड और ये एक तरीके का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड ओके इसका सब टाइटल भी ये दिया गया है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 31, की बात हो रही, another, ये एक ने दूसरे ग्रेट राइटर के लिए दिया है ही मार्बल किसका कोटेशन है इसको जल्दी से बताइए किसने किसके लिए बोला है ऑप्शन ए है मिल्टन ऑन शेक्सपियर ये मिल्टन ने शेक्सपियर के लिए बोला है या ऑप्शन बी है ड्राइडन ऑन मिल्टन ऑप्शन सी है जॉनसन ऑन ड्राइडन या ऑप्शन डी है जॉनसन ऑन शेक्सपियर चलिए जल्दी से बताइए ही फाउंडेड ब्रिक एंड लेफ्ट इट एज मॉर्बल मार्बल एक लाइन को किसने बोला है किसके लिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन सी है शैमुल जॉनसन ने जॉन ट्राइडन के लिए ये कोटेशन बोला है ही फाउंड इट लैप इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल मींस इंग्लिश को एज अ टूटा फूटा एक तरीके का कंकर पत्थर की तरीके से मतलब एक बहुत ही अनरिफाइंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश मिली थी ट्राइडन को बट उन्होंने इसको एक तरीके से इंप्रोवाइज किया और इसको एक तरीके से रिफाइंड करके इसको एक लैंग्वेज बनाया तो ये लाइन जो है ये जॉनसन ने सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडन के लिए बोली है तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट नंबर थर्टी टू क्वेश्चन जॉन ड्राइडन एब्जोलम एंड एकेटोफेल इज अ एब्जोलम एंड एकेटोफेल की बात हो रही है दैट वाज अ रिलीजियस ट्रैक या है ऑप्शन बी दैट वाज अ पोलिटिकल एलेगरी या है आप ऑप्शन सी कॉमिक वर्स या ऑप्शन डी है कॉमेडी एबजोलम एन एकेटोफ़िल जॉन रॉडन का एक वर्क है आपको बताना है ये पोयम आपको इसको मैं तो आपको बताना है कि ये किस तरीके का वर्क है ऑप्शन ए जैसा मैंने बताया बी सी डी मैंने बात कर ली तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इट इज अ पोलिटिकल एलिगरी वे में इसको प्रेजेंट करा गया है और ये लिखा कब गया है पब्लिश कब हुआ है 1681 में ठीक है 1681 में इसको पब्लिश करा गया था जॉन ट्राइडन ने इसको लिखा हुआ है में ये पोयम लिखी हुई है ठीक है स्टैंजा फॉर्म यूज करा हुआ है इस पोयम को लिखने में ठीक है अगला नंबर थर्टी थ्री क्वेश्चन है राइम रॉयल वॉज इंट्रोड्यूस इन टू इंग्लिश पोएट्री बाय विलियम शेक्सपियर किंग जेम्स फर्स्ट ज्योफ्री चौसर या सर वॉल्टर रेले हु दी ऑथर हु द लिटरेरी फिगर जिन्होंने राइम रॉयल को इंट्रोड्यूस किया है इंग्लिश पोएट्री में और बिना डिले किए हुए बिना डाउट के ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा ज्योफ्री चौसर जिनको हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नेम से जानते हैं उन्होंने राइम रॉयल का इंट्रोडक्शन किया था इंग्लिश में और इसको इंग्लिश पोइट्री में अपने लिखा था और राइम रॉयल की बात करें तो इसका जो पैटर्न होता है सेवन लाइन की स्टेंजा होती है आपको मैं इसका पैटर्न बता दे रही हूँ सेवन लाइन का स्टैंजा होता है राइम रॉयल और इसमें जो स्टैंडा इस एक पैटर्न होता है ए बी ए बी बी सी सी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्या पैटर्न होता है राइमिंग स्कीम क्या होती है इस तरीके के पोएम की जो राइम रॉयल में लिखी जाती है आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा जाता है ए बी दिस इज दी स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन आप कह लो ऐसे तरीके से स्टैंडा का कंस्ट्रक्ट किया जाता है यहाँ पे टर्सेट होता है और यहाँ पे दो कपलेट होते हैं ठीक है टर्सेट मींस ये आपका आएगा ये तीन लाइन सॉरी ये ए बी ए और उसके बाद दो कपलेट ए बी बी एंड सी सी ठीक है यहाँ पे कॉपलेट होगा कभी कभी ऐसे पूछ सकता है कि आपका पूछ सक लेगा कि किस फॉर्म में लिखा गया है तो ये होता है है ठीक थ्री लाइन का एक स्टैंडा होगा उसके बाद आपका एक कपलेट यहां होगा फिर एक कपलेट इधर होगा ठीक है तो ये इनका राइम रॉयल का जो होता है ये स्टैंडा स्कीम है और इसको सेवन लाइंस में लिखा जाता है एक स्टैंडा में सेवन लाइंस होती हैं नेक्स्ट नंबर थर्टी फोर द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एलियट इन हिज एसे किस एसे में इलियट ने इसका ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव जो टर्म था उसको इंट्रोड्यूस किया है आपको इसका आंसर बताना है ऑप्शन ए है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ऑप्शन बी है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज मेटाफिजिकल पोएट्स ये सभी जो वर्क हैं ये टीएस एस इलियट के वर्क्स हैं आपको इसको बताना ये तरीके का क्रिटिकल वर्क है सभी आप सभी क्योंकि टी एस एक ग्रेट क्रिटिक भी थे अब इसका आंसर देना है तो ऑप्शन सी बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हेमलेट एंड प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव जो टर्म था उसको इंट्रोड्यूस किया है टी एस एलियट ने और ये जो टर्म ये वर्क जो था पब्लिश हुआ है 1920 में ठीक है 1920 में ये पब्लिश हुआ है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर

बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्शन वर्क है जेम्स चॉइसी का आपको बताना है स्टीफन डेडलॉस या पॉल मोरेल लियोपार्ड ब्लूम सिमन डेडलॉस हु वाज द हीरो इन दिस वर्क अ पोर्ट्रे ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बाय द जेम्स चॉइसी एंड दिस इज द फर्स्ट नोवेल ऑफ जेम्स चॉइसी ठीक है फर्स्ट नोवेल ऑफ जेम्स चॉइसी सेशन को फ्रेंड्स लाइक के साथ-साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में और uh, मुझे आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है सेशन की नहीं तो इसका आंसर की बात करेंगे तो स्टीफन डेडलोस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हीरो की बात हो रही है ही इज द हीरो और द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस नोवेल बाय जेम्स जॉयसी जैसा मैंने बताया ये पब्लिश कब हुआ है अब इसके पब्लिकेशन ईयर की बात कर ले तो 1916 में ये वर्क इनका पब्लिश हुआ है ठीक है किसकी बात कर रहे हैं आप पोर्ट्रेट ऑफ और द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन जो कि फर्स्ट नोवेल है जेम्स चॉयसी का नेक्स्ट नंबर 36 क्वेश्चन एंड एपिलॉग इज एपिलॉग क्या होता है प्रीफेस टू अ टेक्स्ट व्हिच इट इंट्रोड्यूसेस ऑप्शन बी है सफेक्स टू अ टेक्स्ट व्हिच इट सम्स अप और एक्सटेंड ऑप्शन सी अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट फॉर्मली बिगिंस अ बुक

उससे आपको क्या-क्या चीजें सीखने को मिली उसका एक तरीके से पूरा जो एसेंस होता है उस वर्क का उसको बताया जाता है तो उसको हम एपिलॉग करते हैं जो किसी टेक्स्ट को समअप करने के लिए है उसको आगे बढ़ाने के लिए एपिलॉग का यूज होता है ऐसे वर्क्स में अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 37 क्वेश्चन आइटम्स इन अ पब्लिश्ड बुक अपियर इन दी फॉलोइंग ऑर्डर बुक में किस तरीके से एक बुक पब्लिश होती है आपको उसका आंसर बताना है कि बुक के सबसे पहले क्या होता है बीच के पेजेस में क्या होते हैं तो एक जो जो पूरा उनका लिखने का जो तरीका होता है बुक को तो वो क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं जब वो बुक पब्लिश होती है किस तरीके से वो अपियर होती है ऑप्शन ए है इंडेक्स कॉपीराइट पेज बिब्लियोग्राफी या फूट नोट ऑप्शन बी कॉपीराइट पेज बिब्लियोग्राफी इंडेक्स या फूट नोट ऑप्शन सी है कॉपीराइट पेज

डिस्क्लेम करते हुए करता है कि ये मेरा कॉपी राइट है आप इसको कॉपी नहीं कर सकते हो या इसको आप प्रिंट नहीं करा सकते हो इस पर मेरा अधिकार है उसके बाद फूट नोट आता है कि वो क्या क्या चीजें बताने वाला है ब्लिब्लियोग्राफी आता है कि आपको कहाँ कहाँ से वो चीजें ली गई हैं और साथ ही साथ इंडेक्स की चीजें यहाँ पे बताता है तो ये आपका पूरा आता है एक बुक जो होती है वो किस तरीके से पब्लिश होती है

ऑप्शन डी प्लूटॉक्स लाइव विच वन इज दिस और ये सभी बात करें तो ये जितने भी प्लेय इनके रोमन प्लेज है ठीक है कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है रोमन प्लेज इसके साथ ही साथ टाइटर सेंट्रॉनिक रोमन प्लेज जो की विलियम शेक्सपियर ने फोर रोमन प्लेज लिखे हैं जूलियस सीजर एंटनी क्लियोपैट्रा कैरस एंड टाइटस एंड्रोनिकस ये इनके इंपॉर्टेंट रोमन प्लेज हैं तो इसको बताना है किस कि ये किससे इंस्पायर्ड होकर के ये वर्क्स लिखे गए हैं तो आप सभी का आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा प्लूटार्क लाइफ से एक तरीके के इंस्पिरेशन लिया है एक तरीके से एडेपेशन है ये प्लूटार्क की लाइफ का और जूलियस सीजर एंटोनी क्लेपैट्रा कैरनस ये सभी इसी पे बेस्ड ऑन है नाइन थर्टी नाइन क्वेश्चन है स्क्रीन पे हु कोटेड एग्जाम आपके ऐसे कोटेशन कि कौन सा कोटेशन ये कोटेशन चौसर के लिए किसने बोला है चौसर की कैरेक्टर के ऊपर मीन्स कैरेक्टर का मतलब है कि जो कैरेक्टर्स वो कैरेक्टराइज करते थे अपने वर्क में किसी भी वर्क की आप बात कर लो तो वहां पे आपको मिलेगा और स्पेसिफिकली कैंटरी के रिलेटेड ये बात की है जिन्होंने भी ये कोटेशन चौसर के लिए बोला है हियर इज गॉड्स प्लेंटी मीन्स यहाँ पे विविधता है गॉड्स प्लेंटी मीन्स ईश्वर की विविधता है जैसे ईश्वर अलग अलग लोगों को बनाता है तो ये वही है कि यहाँ पे आपको चौसर के कैरेक्टर में बहुत सी वेराइटीज देखने को मिलेंगी डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से कैरेक्टर्स को पिक करके उनको यहाँ पे उनकी लाइफ को या उनकी स्टोरी को शेयर किया हुआ है इस वर्क में कि कैसा उनका लिविंग स्टाइल हुआ करता था तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी जॉन ड्राइडन जॉन ड्राइडन ने ये ये लाइन कोटेशन जियोफ्री चौसर के लिए बोला है नेशनैलिटी ऑफ द ऑथर ऑफ दुक प्राइज विनर नोवेल द लाइफ ऑफ पाई लाइफ ऑफ पाई जो ये बहुत ही फेमस है इसमें मूवी भी बन चुकी है बहुत ही फेमस ये नॉवेल है एक इंस्पिरेशनल नॉवेल है कैसे सरवाइव करता है जो हीरो होता है इसमें तो आपको इसका आंसर करना है कि ये उस ऑथर की नेशनैलिटी को बताना है कि जिन्होंने को ये बुकर प्राइज से नवाजा गया है बुकर प्राइज मिला था इनको इस वर्क के लिए लाइफ ऑफ पाई के लिए तो आपको उसका आंसर देना है इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए है कैनेडियन ही वाज कैनेडियन ही वाज ऑस्ट्रेलियन इंडियन या ब्रिटिश तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड हमारा ऑप्शन ए ही वाज दी कैनेडियन ऑथर कैनेडियन ऑथर के बारे में बात हो रही है जिनको फेमस बुकर प्राइज मिला है इस नॉवेल के लिए लाइफ ऑफ पाई के लिए तो उस ऑथर की जो नेशनैलिटी थी वो कैनेडियन थी और ऑथर का नेम बता दूं मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे एन मार्टिल वाई ए डबल एन एम ए आर टी ई एल ठीक है कब पब्लिश कब हुआ है ये वर्क ये 2001 बहुत ही लेटेस्ट वर्क है आपका ये बिल्कुल मॉडर्न एरा का वर्क है और एक इंस्पिरेशनल वर्क है एक मोटिवेटिंग वर्क है एक सर्वाइविंग वर्क है कि किस तरीके से आप सर्वाइव करते हो किस तरीके से आपको हार नहीं माननी चाहिए कोई भी डिफिकल्टी आपके सामने आती है तो ए, इस नॉवेल के थ्रू ने ये बताने की कोशिश की है अगला क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन करते हैं एलियट्स द वेस्ट लैंड इज डेडिकेटेड टू किस को डेडिकेट किया है एलियट ने अपना लैंड ऑप्शन ए एजरा पाउंड बहुत ईजी क्वेश्चन है ऑप्शन बी डब्ल्यू बी एट्स टीम या आपका है None of these. तो वेस्ट की हम बात कर रहे हैं वेस्टलैंड से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं आपके और इसका जो है ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन एजरा पाउंड ने इसको एडिट करा था और इसी वजह से इस जो वर्क था ये पोएम जो थी इसको डेडिकेट किया है टी एस इलियट ने एजरा पाउंड को और ये जो पब्लिश हुआ है वेस्टलैंड ये नाइनटीन ट्वेंटी टू में पब्लिश हुआ है ठीक है नाइनटीन ट्वेंटी टू इनका पब्लिकेशन ईयर था इस वर्क वर्क का फाइव में ये जो है है वो डिवाइडेड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फोर्टी टू सेनेकन ट्रेजिडी ऑफ ब्लड इज बेस्ड ऑन दी थीम ऑफ सेनेकन ट्रेजिडी की जब भी बात करते हैं हम तो आप सबसे पहले माइंड में थॉमस किड की स्पेनिश और विलियम वर्ड्स William Shakespeare का हैमलेट रिमाइंड करोगे इसको सोचोगे और इसके साथ साथ आप आंसर दोगे कि किस तरीके का वर्क है ये दोनों ठीक है थॉमस किड की स्पैनिश ट्रेजडी की बात करते हैं हम और उसके साथ साथ हम अगर नहीं आपको Thomas की ट्रेजिडी याद है तो आप हेमलेट याद कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा इसका सब्जेक्ट मैटर तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा रिवेंज पे बेस्ड ऑन होती है ब्लड पे बेस्ड ऑन होती है तो ये हमारा ऑप्शन लव मर्डर रिवेंज

नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फिर से आपका क्वेश्चन जो है ये विलियम शेक्सपियर से ही रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है द वुड्स द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन अपीयर्स इन फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन का अपीयरेंस बहुत ही फेमस फॉरेस्ट uh, है जैसे आप हैमलेट बैक बिट प्ले में देखते हो उस प्ले uh, uh, जो वो फॉरेस्ट था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी है द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन अपीयर्स इन ऑल वेल दैट एंड्स वेल ड्रीम nice या आपका है एज यू लाइक इट तो किस वर्क में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है फॉरेस्ट ऑफ आर्ड का और इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका और एज यू लाइक इट आप सभी जानते हो 1599 में ये लिखा है परफॉर्म हुआ है विलियम शेक्सपियर का वर्क है और बाकी सभी जो है ये डब्ल्यू एस के वर्क है विलियम शेक्सपियर के ठीक है तो इस क्वेश्चन को आपने कर लिया है अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 44 स्क्रीन पे आप सभी के लिए है मैं पढ़ देती हूँ आप सभी एस्पेरेंट्स के लिए द नेम ऑफ दी प्रायरस इन दी कैंटरबरी टेल कैंटरबरी टेल में जो प्रायरस होती है जो बहुत ही एक सोफेस्टिकेटेड लेडी होती है आपको उसका नेम बताना है एंग्लेंटाइन एलिजॉन बिट्रिक या लॉरा विच वन इज द करेक्ट आंसर और कैरेंटो टेल्स के कैरेक्टर्स की बात हो रही है आप प्रायरस का कैरेक्टर मिसेस बात का कैरेक्टर वाइफ ऑफ बात का कैरेक्टर साथ ही साथ इसमें जो आपका नाइट है उसका कैरेक्टर एंड ह्यूमन और आपके पार्टनर ये सब कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो कुछ कैरेक्टर्स इस वर्क के बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके कैरेक्टर्स को आप जरूर पढ़ लीजिएगा इनका जब ये जो स्टोरी बताते हैं उसको भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा और चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम डिस्कस करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड चाइन इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 45 क्वेश्चन है स्क्रीन पे Wordsworth had described various stages of of his association with nature. In which state did he hear the still sad music of humanity? Kiss, अपने उम्र के पड़ाव पे जो उनका एसोसिएशन था वर्ड्स का के साथ में प्रकृति के साथ में जो उनका तालमेल है उन्होंने अपने वर्क में उसको अलग अलग स्टेजेस में डिफाइन कर रखा है तो आपको अब आप बताना है कि द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ये Wordsworth को किस स्टेज में समझ में आता है या किस स्टेज में उनको ये उन्होंने लिखा हुआ है ऑप्शन है द बॉय स्टेज ऑप्शन बी इनिशियल स्टेज ऑप्शन सी द फाइनल स्टेज या ऑप्शन डी एन ऑल ऑफ़ तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर क्योंकि देखिए पे सैड की बात आ रही है और थोड़ा सा ह्यूमेनिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बॉयस इनिशियल स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं होगा वो इनको फाइनल स्टेज पे आएगा और यहाँ पे इसीलिए इसका जो इसको हम कनेक्ट करेंगे तो फाइनल स्टेज और सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमेनिटी ये हमारा कनेक्शन बनेगा इसीलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट पे टिक करेंगे देखिए कभी कभी क्वेश्चन का आंसर ना हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है और लॉजिक लगाने से ही हमें समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो इसी वजह से इस क्वेश्चन में भी आप लॉजिक के थ्रू इसको सॉल्व करोगे देखिये ये मैथ्स नहीं है रीजनिंग नहीं है बट सब्जेक्ट में भी आपके लॉजिक लगते हैं ठीक है और कभी कभी आप पेपर देते हो तो आपके पेपर में ही किसी क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाता है किसी और क्वेश्चन में उस आंसर को डिफाइन किया जाता जाता है है या उसको पूछ लिया जाता है, और उसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बना दिया जाता है तो ऐसे आप एक बारी पेपर जरूर पलट के देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में उसके बाद आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलते हैं जो एक दूसरे से मैच करते रहते हैं अगला नंबर फोर्टी क्वेश्चन है इज अ फ्रीक्वेंट थीम इन रोमांटिक पोएट्री इज रोमांटिक पोएट्री की बात हो रही है वर्ड जो है ये एक थीम है रोमांटिक पोएट्री में आपको बताना है किससे ये कनेक्ट कर रहा है या किसका रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है आपको बताना है ऑप्शन ए है दिस इज अ ग्रीक कॉर्ड या ऑप्शन बी है बाइजेंटियम प्रोविंस इन नॉर्थन सेंट्रल एंड लैंड ग्रीस या ओल्ड

आप भी मत करिएगा डी पे टिक करिएगा दिस इज द एंशिएंट नेम ऑफ द ग्रीस ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है ठीक है तो ये हमारा जो है ये करेक्ट आंसर आएगा जिसमें हम जानते हैं जो कि एंशिएंट नेम होती हैं ग्रीक सिटी की उसको हेलास बोलते हैं नेक्स्ट वन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज हेलेनिक स्पिरिट देखिए हेलेनिस ग्रीस से रिलेटेड है ग्रीक वर्क वर्ड से रिलेटेड रिलेटेड है तो अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसको बोला जाता है हु इज फेमस फॉर हिज हेलेनिक स्पिरिट मीन्स अपनी ग्रीक स्पिरिट के लिए कौन फेमस है ग्रीक स्पिरिट का मतलब है कि अपने वर्क्स में ग्रीक माइथोलॉजी आर्ट एंड कल्चर से जिसका बहुत ज्यादा एक तरीके से आप बोल लो अफेक्शन था बहुत ज्यादा वो इंस्पायर्ड था उस स्पिरिट से या उस जो एक आर्ट एंड कल्चर है ग्रीक की तो वहां पे आपको बताना है उस ऑथर का नाम लॉर्ड बेरोन सादी पीबी शेले या जॉन जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं या ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुके हैं पढ़ चुके हैं उनको इसका आंसर पता है नए एस्पिरेंट्स आप सभी जान लो ये बोला जाता है जॉन कीट्स को जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ओड्स लिखे हुए हैं टू नाइटिंगेल ओड ऑन ग्रेसियन ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट

ऑप्शन बी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं टर्म्स से रिलेटेड आपका होगा तो दैट वुड बी पोइटिक लेसन ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स प्लीज एक बारी आप लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन बेलाइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा अपने यहाँ पे आपका जब भी होगा कोई क्लास हम स्टार्ट करते हैं कोई लाइव क्लास होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा कि ये क्लास इस चैनल पे आने वाली है ठीक है तो आप इसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा 49 क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पोयम विच अमंग द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट बाय शले पीबी शले के थ्रू इसमें से कौन सी पोयम नहीं लिखी है ओ टू द बेस्ट विंड

कीट्स का ओड है ठीक है एक बहुत ही फेमस और एक मेलोडियस ओड है जो कि जॉन कीट्स ने इसको लिखा हुआ है नंबर नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पोयम रिटन बाय टेनिशन विच कंटेन्स दाइन्स टू स्ट्राइव टू सी टू फाइंड एंड नॉट टू विल बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन है ये बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन है इंस्पायरिंग लाइन है एक हमें बताती है ये जरूर आप अपने जहाँ पढ़ाई कर रहे हो जहाँ आप जिस रूम में रहते हो वहाँ जरूर आप इसको लिख लीजिए इसको अपने पास रखिए क्योंकि ये बहुत ही फेमस लाइन है और टेनिशन ने किस वर्क में अपने लिखा है ऑप्शन ए है मॉड ऑप्शन बी यूलिसीज ऑप्शन सी इन मेमोरियम या ऑप्शन डी है लॉक्सले हॉल विच वन इज द करेक्ट आंसर और इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करेंगे तो ये हमारा है ऑप्शन बी ओके ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर यूलिसिस पोयम यूलिसिस में इसका कैरेक्टराइजेशन है यूलिसिस जो एक ग्रेट वॉरियर था उसके बारे में इसमें बात की गई है और उसने बताया हुआ है अपने बेटे को वो जब एक लेसन दे रहा था तो वहां पे उसने बोला हुआ है ये लाइन

समझो इसको सब पढ़ो और यहाँ पे जब तक कोई चीज का आपको पता नहीं चल जाता उसका एक अच्छा परिणाम एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक आप संघर्ष करते रहो इस लाइन का कहने का यही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे यही टेनिशन ने अपने यूलिसिस वर्क में इस पोयम में इस लाइन को कोट करा है इस लाइन को लिखा है बताया है कि आप तब तक संघर्ष करते रहिए जब तक आपको आपका परिणाम नहीं मिल जाता जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हो या जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे 26 टू 50 हमने पे डिस्कस करा फर्स्ट पार्ट में 1 टू 25 क्वेश्चन डिस्कस किया उसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जरूर इसको वॉच आउट कर लीजिएगा आप सभी लोग ये है लिंक जो फर्स्ट वीडियो का है फर्स्ट पार्ट का प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड और इसके साथ ही साथ सेशन में आप बने रहिएगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और किसी चलिए इम्पोर्टेंट थर्ड प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे इसी चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे तब तक आप अदर वीडियोस वॉच आउट कर लीजिए इस चैनल के और बने रहिए हमारे साथ में थैंक यू वेरी मच